और आगामी अगर जो 5 दिनों की फोकस की बात करें, देखिए आज 29 और कल 30 तारीख को देखिए जो WDA है इसके चलते जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और आपका शिमला, इसके जो हाई रिचीज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। कोमा की बिजली से चलने वाली स्कूटी बाइक स्कूटर का एक विश्वसनीय नाम, खरीदने के लिए पधारे कोमा की सिद्ध योगी इंटरप्राइजेज विस्को रिसोर्ट के पास मंडी। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में 15 नवंबर के बाद बारिश देखने को नहीं मिली है। हालांकि कबायली क्षेत्र में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से प्रदेश के 11 जिले सूखे की चपेट में हैं। आज आसमान पर बादल छाए हैं और यह बादल उम्मीद के बादल हैं, क्योंकि किसानों और बागवानों के साथ नए साल के जश्न के लिए आने वाले पर्यटकों को भी इन बादलों से उम्मीद बंधी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 व 30 दिसंबर को हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ होने से आज व कल मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम में आए बदलाव के चलते तापमानों में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। बावजूद इसके कई क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है व प्रचंड शीतलहर जारी है। 2 दिन बाद 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है, यानी कि नववर्ष के जश्न में बर्फबारी की उम्मीद नहीं है। और आगामी अगर जो 5 दिनों की फोकस की बात करें, देखिए आज 29 और कल 30 तारीख को देखिए जो WDA है इसके चलते जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और आपका शिमला, इसके जो हाई रिचीज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा है, मंडी है, जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में राइज किए हैं, इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु जैसे ये जो एक्टिविटी है ये 30 तारीख तक जारी रहेगी। जैसे मैं बात करूँ तो नवंबर 15 के बाद मेनली ड्राई कंडीशंस ही रही हैं, और ये जो ये माह है हमारा प्रेजेंट माह दिसंबर, ये मेनली ड्राई रहा है। केवल लाहौल स्पीति में स्नोफॉल का स्पेल हुआ था एक दिन, बाकी पूरे प्रदेश में ही ड्राई कंडीशन रही है। इसके चलते क्योंकि देखिए ड्राई कंडीशन तो आपका जो ग्राउंड मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर, उसमें कमी हुई है, इसके चलते जो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है उन किसान भाइयों को। तो उम्मीद है कि जैसे जो 29 और 30 तारीख आज और कल तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। कि पिछले 24 घंटे में जो कोल्ड वेव की बात करें पहले, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है और हमीरपुर है, यहाँ पे जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम थे, और इसके चलते वहाँ पे पिछले 24 घंटों में कोल्ड वेव रिपोर्ट की गई है। परंतु जो आगामी जो ये 5 दिन है इनमें कोल्ड वेव का अभी कोई अलर्ट जारी नहीं है। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है और ये किन्नौर है, यहाँ पे जो मॉर्निंग आवर के टेम्परेचर है वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया था -4.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं अगर किलोंग में जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी -1.2 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।